अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन नानचा। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गोश्त, हड्डी बिना का गोश्त लिया है हमने, और इसमें डाल दिए एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर, और हमें चाहिए ग्रीन चिल्ली पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक लहसुन, सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, धाना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और हमें चाहिए इमली गुड़ की चटनी। ये अभी हम चटनी बना रहे हैं, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हम बनाएंगे कोकम की चटनी। तो इसके लिए हमने लिए ये कोकम, इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और हमें चाहिए कोरिएंडर, और चाहिए ऑयल, और ये प्याज को हम चॉप कर लेंगे कोकम की चटनी में डालने के लिए। और हम लेंगे नान। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से हम नानचा बनाएंगे। अब हम एक लेंगे एक प्रेशर कुकर, और डाल देंगे इसमें गोश्त और प्याज, और डाल देंगे इसमें हम सारे हमारे मसाले। और डाल देंगे हम पानी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और गैस पर रख देंगे जब तक हमारा गोश्त टेंडर ना हो जाए। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे कवर कर लेंगे। चलो अब हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त हो चुका होगा। देखो, आप देख सकते हो कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसे श्रेड कर लेंगे। चलो अभी हमारा गोश्त ठंडा हो रहा है, इतने हम कोकम और इमली की चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है कोकम, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और कोकम से आधी हमें इमली और गुड़ की चटनी लेनी है, ये भी डाल देंगे इसमें। और डाल देंगे हम प्याज चॉप की हुई, और डाल देंगे नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो, आप देख सकते हो कि हमारी नानचाप की चटनी बन करके रेडी है। अभी हम इसे साइड पे रख देते हैं। देखो, अभी आप देख सकते हो कि ये हमने गोश्त अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब हम नानचाप में कैसे भरेंगे वो भी आपको बताएंगे। गैस ऑन करेंगे। अभी हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। फिर हम डाल देंगे हमारा थोड़ा सा मटेरियल, एक नानचा कितना, इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और ये हमारे दो नान के पीस भी यहाँ पर रख देंगे। से इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर भी थोड़ा सा तेल डाल लेंगे ताकि हमारे नान भी अच्छे से टोस्ट हो जाए। फिर डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कोथमीर, इसे हम एक साइड कर लेंगे। थोड़ा सा और तेल डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी चटनी जो हमने कोकम के लिए
की और प्याज की रेडी की थी। फिर डालेंगे हम ये हमारा सारा मटेरियल। हमें लो फ्लेम रखना है ताकि हमारी कोई भी चीज़ जल ना जाए। इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे नान के ऊपर। फिर डाल देंगे ये और फिर इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा तेल वापस से डालेंगे। देखो आप देख सकते हो कि हमारी स्टाइल में मटन नान चाप बन करके रेडी है। अभी इसी तरह हम सारी नान चाप बना लेंगे और प्लेट में सर्व कर आपसे शेयर करेंगे। देखो आप देख सकते हो कि हमारी नान चाप मटन नान चाप बनकर रेडी है।